आज के इस टॉपिक में हम पेज मेकर के यूटिलिटीज़ के कमांड के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारा प्लगइन्स ऑप्शन मिलता है। प्लगइन्स जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें हमको ढेर सारे कमांड मिल जाते हैं, तो आज एक एक करके मैनेज करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितना हमारा मैनेज हो पाता है। जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट में हम बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसमें जैसे सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे ऐड कंटेंट लाइन का ऑप्शन मिलता है। तो ऐड कंटेंट लाइन कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए हम चले जाते हैं एमएस वर्ड से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम बच सके। तो हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आके फिर हम इस टी पे क्लिक करके यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर देते हैं जिससे कि हमको टेक्स्ट मिल जाएगा। अब हम जैसे ही इस एरो पे क्लिक करते हैं और एरो क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको नीचे रेड लाइन दिखेगी, यानी कि बताता है नीचे और टेक्स्ट है, आप आगे जाके उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का सिंबल बनेगा। तो हमको जैसे ही दूसरे पेज पे इंसर्ट करना है तो हमको दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो हमारे पास पेज तो है नहीं, तो हम और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम 5 पेज 6 पेज जितना हमको चाहिए उतना टाइप करके ओके कर देंगे। तो नीचे देखेंगे हमको उतना पेज मिल गया और ये ऑप्शन हमारा काम कर रहा है। तो इस ऑप्शन से होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे होगा और आगे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके एक ऑप्शन का और यूज कर लेंगे जिससे कि हमको जितना पेज पे टेक्स्ट चाहिए उतना ऑटोमेटिक पेज वो इंसर्ट करके उतना ले लेगा। इसके लिए लेआउट में हम जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद ऑटो फ्लो का ऑप्शन है। ऑटो फ्लो पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये जो सिंबल होता है चेंज हो जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे जितना उसको पेज चाहिए टेक्स्ट के लिए ऑटोमेटिक उतना पेज इंसर्ट करके उतने पेज में वो सेपरेट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारा कैसे काम करता है यूटिलिटीज़ में प्लगइन्स ऑप्शन के ऐड कंटेंट लाइन में। तो यहाँ पे ऐड कंटेंट लाइन को काम करने के लिए यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमको फर्स्ट या सेकेंड पेज पे यूज करना है ऐड कंटेंट लाइन को तो उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब यूटिलिटी में आएंगे और यहाँ प्लग इन ऑप्शन में ऐड कंटेंट लाइन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे क्लिक करते हैं हमको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, टॉप ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक और नीचे है बॉटम ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे कंटिन्यू ऑन पेज थर्ड यानी दिखा रहे हैं, यानी कि इसके आगे तीसरा पेज है जो कि टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारा बता रहा है ऐड कंटेंट लाइन। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही टॉप पे लगाएं तो उसके लिए भी हमको ये सेम अप्लाई करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यूटिलिटी में जाना है, प्लगइन्स ऑप्शन में और ऐड कंटेंट लाइन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखा है टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक ऑप्शन, आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिक कंटिन्यू फ्रॉम वन पेज, यानी कि ये कंटिन्यू पहले पेज से होता हुआ आ रहा है, ये आपको बता रहा है। तो ऐसे हमारा यूटिलिटीज़ में ऐड कंटेंट लाइन काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है प्लगइन्स में बैलेंस कॉलम। बैलेंस कॉलम का मतलब होता है कि एक दूसरे का कॉलम जो होता है उसको बैलेंस करना। तो देख लेते हैं इसको ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पेज को खाली कर लेते हैं। यहाँ पेज खाली करने के बाद यहाँ से हम दो कॉलम इस एक पेज में बना लेते हैं। कॉलम बनाने के लिए हम आगे पढ़ चुके हैं कि कैसे हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाने के लिए यहाँ लेआउट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे कॉलम गाइड का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे हमको जो दो कॉलम बनाना है, तीन कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे उतने नंबर्स टाइप करते हैं। नंबर टाइप करने के बाद ओके कर देंगे, ये उतने कॉलम बना देगा। अब हमको फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में दोनों में कुछ टेक्स्ट को रखना होगा जिससे कि आगे पीछे टेक्स्ट रहे तो हम बैलेंस कर सके उसको। तो यहाँ से हम कंट्रोल भी कर लेते हैं इसमें और कुछ टेक्स्ट को भी यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक टेक्स्ट ऊपर है और एक टेक्स्ट नीचे है दोनों अलग का कॉलम में। तो हम दोनों कॉलम को एक सेपरेट करने के लिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस एरो की का यूज करके। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ शिफ्ट दबा के इसको भी हम सेलेक्ट कर लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब यूटिलिटी में जाएंगे। यूटिलिटी में जाने के बाद बैलेंस कॉलम को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने चार ऑप्शन मिलेंगे। आपको इन चारों में से जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि नहीं ये ऑप्शन पे हमको ज़्यादा सेपरेट ज़्यादा सीधे मिलेंगे आप उसका यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ, देखेंगे दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों एक लाइन में हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आपको जिसको जैसे क्लिक करना है जैसे यूज करना है आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कमांड है
प्लगइन्स में बिल्ड बुकलेट। अब ये बिल्ड बुकलेट कैसे काम करता है, जैसे हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 पेज इंसर्ट करा रखे हैं, हम चाहते हैं कि और पेज इंसर्ट करें, तो हमारा ये यूटिलिटीज़ में प्लगइन ऑप्शन के बिल्ड बुकलेट में हमको ऑप्शन मिलता है। बिल्ड बुकलेट में करता क्या है कि ये जो पेज हम इंसर्ट करेंगे उसको वो सेव करके सेपरेट करके हमको वन बाय वन पेज देता है। यहाँ से अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, हमको ऑटोमेटिक नया नया पेज यहाँ पे इंसर्ट करा के दिखाएगा। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 पेज हमने इंसर्ट कर लिया, अभी पांचों पेज को हमको इस पेज मेकर में इंसर्ट कराना है। अब यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे, ये पहले हमको सेव करने के लिए पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हो, हमको यहाँ तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, पहले इसको सेव कर लीजिए और कर दीजिए ओके, तो सेपरेट करेगा, उसके बाद आपको पेज दिखाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो 6 पेज खोले थे उसके बाद हमने 5 पेज और इंसर्ट कराए थे, तो 6, 5, 11 टोटल 11 पेज यहाँ पे हो चुके हैं। अब आप इन सब पेज में काम भी कर सकते हैं, जो अभी जैसे नॉर्मल पेज में काम करते हैं वैसे इसमें भी काम कर सकते हैं, इस प्रकार से ये हमारा काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स में भी यूज कर चुके हैं, कैसे वो काम करता है तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी टेक्स्ट रहे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ यूटिलिटी में आना है और प्लगइन्स ऑप्शन में बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने बुलेट स्टाइल दिख जाएंगे, आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए वैसा स्टाइल यहाँ पे चॉइस करके ओके कर देंगे, तो आपका वो बुलेट्स नंबर लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सब ऑप्शन और हमको दिखे तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा, जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हो उस हिसाब से ये फंड के हिसाब से आपको सभी स्टाइल बुलेट्स नंबर दिखाई देते हैं। आपको जो भी नंबर लिखना है और लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ ओके करने के बाद ये भी हाँ भी ओके कर दीजिएगा, आपके सामने जहाँ जहाँ जितने सेलेक्ट किए होंगे वो उतने पे आपका बुलेट्स नंबर लग जाएगा। नेक्स्ट है हेडिंग हमारा है यूटिलिटीज़ में, यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं चेंज केस कैसे काम करता है। वो करता क्या है कि जैसे जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, अभी हमने फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, अब हम चाहते हैं कि इसको हम अपर केस मतलब कि सभी अक्षर बड़े कर दें, लोअर केस यानी सभी अक्षर छोटे कर दें, और कुछ टेक्स्ट हम बड़े कर दें और कुछ टेक्स्ट छोटे कर दें, और कुछ टेक्स्ट हम छोटे कर दें और कुछ टेक्स्ट हम बड़े कर दें, तो इन सब का यूज करना चाहते हैं तो हमको यूटिलिटीज़ में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद चेंज केस का ऑप्शन हमको मिलेगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको अपर केस का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर अपर कर देंगे तो सभी जो जितने भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है वो बड़े कर देंगे, इतना होने के बाद कर दीजिए ओके। यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था उतने टेक्स्ट सब बड़े बड़े हो चुके हैं। ऐसे ही इसमें काम करता है चेंज केस में लोअर केस। आप एक एक करके ऑप्शन का यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी आप यूज करेंगे वैसा काम करेगा। यहाँ पे अगर हम छोटा करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके ओके कर लेंगे, हमारा सभी टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यूटिलिटीज़ में, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट कलर लाइब्रेरी, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस में है कि कैसे ये कलर को लाइब्रेरी बनाता है, हम अपने नाम को कैसे हम लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्रिएट कलर लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर देना, जैसे कि जैसे अपने नाम से हम एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं तो अपने नाम को टाइप कर देंगे, जैसे अपने हम सेंटर का नाम टाइप कर देते हैं विजन IT, हम चाहते हैं कि विजन IT के नाम से हमारा एक लाइब्रेरी बन जाए, उसमें ऑटोमेटिक कलर ये फीड कर देते हैं, तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम सेव कर देंगे। अब ये हमारा एक लाइब्रेरी बन चुका है, अब इस लाइब्रेरी से हम कोई कलर उठाना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे यूटिलिटीज़ में डिफाइंड कलर में जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर आ जाइएगा और यहाँ न्यू ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लाइब्रेरी जो हमने लाइब्रेरी बना रखी है लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से एक एक करके खोज लेना है जो हमने अपने नाम से लाइब्रेरी बनाई थी वो दिख रही है कि नहीं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विजन IT के नाम से हमने लाइब्रेरी बनाई थी वो लाइब्रेरी हमारी दिख रही है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कलर दिख जाएगा। आपको जो भी कलर अपने नाम से बनाना है मतलब हमारी जो लाइब्रेरी है हमारी लाइब्रेरी से जो भी आपको कलर बनाना है तो उस कलर को चॉइस करिएगा और यहाँ पे ओके करिए,
तो यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि कलर का नाम दिख रहा है। आप इस नाम के जगह पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम अपना नाम लिखें, तो यहाँ पे हम अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद ओके करेंगे, फिर यहाँ पे हमको ओके करना होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जब यहाँ पे विंडो में जाएंगे और यहाँ पे शो कलर का ऑप्शन मिलता है, जैसे अपने कलर को शो कराएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे नाम से एक कलर बन चुका है यहाँ पे, यानी ग्रीन तो पहले से था लेकिन एक हमने अपने नाम से कलर बना लिया है। तो ये ऐसे काम करता है, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इस पे अप्लाई कर दें, तो यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा काम करता है यूटिलिटीज़ में, क्रिएट कलर लाइब्रेरी। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको मिलता है नेक्स्ट ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब ये ड्रॉप कैप ऑप्शन कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। ड्रॉप कैप हमारा, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो उसके बाद छोटा छोटा, और पहला अक्षर हो सकता है बड़ा दिखता है तो उसके बाद छोटा सा दिखता है, तो अगर वैसा करना है तो आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी में आना है और इसके बाद प्लगइन्स में आना है और यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देना है। और यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप कितने बड़े साइज में रखना चाहते हैं, 3, 2, 4, 5, कुछ भी जितने रेंज में रखना चाहते हैं उतना क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, फर्स्ट लेटर वो बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से, देख रहे हैं। ऐसे आपको जितने भी लेटर में, आपको जितने भी रेंज में चाहिए उतने रेंज में आप क्लिक करिए, ऑटोमेटिक उतने रेंज में वो बना देगा ड्रॉप कैप। तो ये हमारा था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।